बोलने को तैयार नहीं है, जरूर शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि उनको स्वास्थ्य जैसा अहम विभाग मिला है और कोविड काल के दौरान में ब्रजेश पाठक ने अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी, तमाम कामियों से अवगत कराया था और मदद के लिए भी लिखा था कई बार, और कोविड काल के दौरान भी काफी सक्रिय रहे थे, चाहे वो मरीजों की आम लोगों की मदद भी मांग। अब उनका स्वास्थ्य जैसा अहम विभाग मिल गया है, अब देखना यही होगा कि जो उम्मीदें वो। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, ये तस्वीरें लखनऊ से अब आपको बता रहे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री है, उप मुख्यमंत्री, इनको स्वास्थ्य जैसा अहम मंत्रालय दिया गया है। ब्रजेश पाठक सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, और आपको बता दें कि दुरेश शर्मा की जगह पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया है ब्रजेश पाठक को, और उनको स्वास्थ्य जैसा एक अहम मंत्रालय भी दिया गया है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, तमाम जो लोग हैं वो आप उनको शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हुए हैं, बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं ब्रजेश पाठक। और लोगों की बधाई को स्वीकार करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, और साथ ही अब उनको नई जो जिम्मेदारी है वो भी दी गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो तरह से उत्तर प्रदेश में है, अब उनको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक को दी गई है। तो उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ स्वास्थ्य जैसा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार जो विभाग है वो ब्रजेश पाठक को दिया गया है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तस्वीरें देख रहे हैं आप, स्वास्थ्य विभाग का पदभार उन्होंने ग्रहण किया है, और स्वास्थ्य विभाग में जो तमाम खामियां इस वक्त है उन पर उनको लेकर तमाम जो चुनौतियां हैं वो ब्रजेश पाठक, और देखिए बाकायदा जो पूजन है वो किया गया है, और उसके बाद पदभार ग्रहण किया है, तमाम जो लोग हैं बधाई देने के लिए पहुँचे हुए हैं, और विभाग के आला अधिकारी भी उनको बधाई। और ये स्वास्थ्य विभाग में जो कहा जाए कि तमाम जो चुनौतियां, और ख़ासकर कोरोना जैसा जो इस वक्त महामारी चल रही है उसको लेकर भी कई चुनौतियां ब्रजेश पाठक के सामने होंगी, उनसे किस तरह से निपटते हैं ब्रजेश पाठक ये देखने वाली बात होगी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग दिया गया है ब्रजेश पाठक को, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक। और आपको बता दें कि इससे पहले कार्यकाल की अगर बात करें तो कानून मंत्रालय जैसा अहम पदभार संभाल चुके हैं ब्रजेश पाठक, लेकिन इस बार उनका विभाग चेंज किया गया है।